डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं उसमें, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, फोर्स्ड वाइब्रेशन विथ स्ट्रक्चरल डैम्पिंग, या इसी को हम लोग हिस्टेरेसिस डैम्पिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टेरेसिस डैम्पिंग। अच्छा, अब आपको ये भी याद होगा कि ये हिस्टेरेसिस डैम्पिंग हम लोग लेक्चर नंबर 28 में भी हमने आपको पढ़ाए हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि डैम्पिंग, चार तरह का डैम्पिंग हमने आपको बताया था। पहला तो विस्कस डैम्पिंग था ही, ठीक है ना, जिसमें कि बहुत डिटेल जो शियर फोर्स, शियर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए थे, और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकली उसी की यूज होती है। और उसके बाद कूलम डैम्पिंग हो गया, आज हम लोग स्ट्रक्चरल डैम्पिंग पढ़ें। इंटरफेसियल और स्लिप डैम्पिंग भी हम आपको लेक्चर नंबर 29 में बताए थे। और लास्ट लेक्चर, जैसे ये लेक्चर नंबर 52 है, लेक्चर नंबर 51 में तो काफ़ी डिटेल में इसका डेराइवेशन भी हम बताए थे, ठीक ना। आइए आज चलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल डैम्पिंग। अब स्ट्रक्चरल डैम्पिंग जो है, नाम से ही क्लियर है, नाम से ही आपको समझ में आ गया कि कोई मटेरियल, कोई स्ट्रक्चर खास करके जब होता है तो उसमें स्ट्रक्चरल डैम्पिंग यूज होता है। अब थोड़ा सा हम अपनी जो लेक्चर नंबर आपका 28 था, लेक्चर नंबर कितना, 28, उसको थोड़ा सा हम चाहते हैं रिपीट करना, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो है स्ट्रक्चरल डैम्पिंग हमने पढ़ाया था आपको, क्या स्ट्रक्चरल डैम्पिंग, अब समझिएगा कि वहाँ पर स्ट्रक्चरल डैम्पिंग जो पढ़ाए थे, तो बेसिकली स्ट्रक्चरल डैम्पिंग होता क्या है। तो स्ट्रक्चरल डैम्पिंग इज द इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल। ये क्या है, इनहेरेंट मतलब कि अंदर छिपी हुई प्रतिभा, ये बोल सकते हैं इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई आप देखिए, आप कोई लकड़ी लीजिए, एक बांस का लकड़ी लीजिए, देखिए बांस का लकड़ी क्या फ्लेक्सिबल भी होता है और स्ट्रांग भी होता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों जो है जहाँ पर अवेलेबल हो स्ट्रक्चर के हिसाब से वो दी बेस्ट है, ठीक है ना। तो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल एंड द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलास्टिक प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलास्टिक प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, फ्रॉम विद इन द बॉडी, ठीक है ना। बेसिकली देयर इज इंटरमोलेकुलर फ्रिक्शन इन द स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चरल डैम्पिंग देयर इज इंटरमोलेकुलर फ्रिक्शन। और हमने जब एनिमेटेड करके बहुत सारे वीडियो में आपको हमने दिखाया है इंटरमोलेकुलर फोर्स कैसे लगता है, ठीक ना। जैसे ये कोई बीम है, ठीक ना, अब इसके ऊपर आप फोर्स लगाते हैं, तो अब बेंडिंग ऑफ द बेंडिंग इक्वेशन यदि आप पढ़ते हैं, कौन सा, एम अपन आई इक्वल टू सिग्मा अपन वाई इक्वल टू ई बाई आर, तो उसमें आप क्या पढ़ते हैं कि इसमें ये बहुत सारे लेयर्स में बटे हुए हैं और सब लेयर एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, ठीक ना। यही जब शियर फोर्स में आप पढ़ेंगे उसी समय, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि ये लेयर में बटे हुए हैं, लीजिए ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में आप पढ़ेंगे तो बोले तो ये अलग अलग लेयर में, अलग अलग एलिमेंट्स में बटे हुए हैं, तो इन दो मोलिकुल के बीच जो फ्रिक्शन हो रहा है दैट इज द स्ट्रक्चरल डैम्पिंग, दैट इज द हिस्टेरेसिस डैम्पिंग। और इसको जब आप फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, इसके अंदर स्ट्रेस भी होगा और स्ट्रेन भी होगा, ठीक ना। और लोडिंग एंड अनलोडिंग कंडीशन में भी जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक ना। तो हमने एक आपको लेक्चर नंबर 28 में, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, एक हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ किया था इसके लिए, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट, याद होगा आपको डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है आपका स्ट्रेस, ठीक है ना, स्ट्रेस मतलब क्या,
जो आपने फोर्स लगाया पर यूनिट एरिया, इसमें जब आप निकाले थे तो आप देखे थे कि आपका कर्व जो है कुछ ऐसा आया था। ये एग्जैक्ट कॉर्नर नहीं होगा, बट ये थोड़ा सा ऐसे होगा मुड़ा हुआ, ठीक है। और ये कंडीशन किसका था, लोडिंग में स्ट्रेस बढ़ेगा और अनलोडिंग में स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों कम होगा, ठीक है ना। और ये इस चीज़ का भी प्रूफ है कि स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, ठीक है। इसका एनर्जी इक्वेशन निकाल लेते हम, इसी ग्राफ में एनर्जी इक्वेशन निकाले थे, ठीक है ना। क्या निकाले थे, अभी थोड़ा सा दो मिनट के लिए लिख भी देते हैं, आपको याद हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा, ठीक है ना। यही आपका कर्व था, ठीक है ना। और इसमें जो है कुछ इस तरह का एक कर्व बनाए थे, इसमें जो है ये आपका फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, अप्लाइड फोर्स और मतलब ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन, एम्पलीट्यूड यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, मैंने ए से माइनस ए, और ये आपका डैम्पिंग फोर्स सी डब्ल्यू ए और ये माइनस सी डब्ल्यू ए, ठीक ना। किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर यहाँ से आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से ले लीजिए, चाहे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, तो ये नीचे वाला पार्ट जो होगा आपका स्प्रिंग फोर्स और ऊपर वाला जो पार्ट होगा आपका दैट विल बी डैम्पिंग फोर्स, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है ये होगा आपका डैम्पिंग फोर्स सी डब्ल्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये जो फोर्स होगा दैट विल बी द स्प्रिंग फोर्स। और ये हमने आपको एनर्जी इक्वेशन निकाला था, ई इक्वल टू बीटा ए स्क्वायर। बीटा क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है, जहाँ की बीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, पाई के लेमडा, पाई के लेमडा। लेमडा क्या है, डैम्पिंग फैक्टर है, और ए तो आपको मालूम है एम्पलीट्यूड, के क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम निकाले थे, और लास्ट में बीटा इक्वल टू सी एक्स डॉट निकाले थे। सी, सी मतलब क्या, सी क्या है, बीटा अपन पाई डब्ल्यू, जब इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ से ये निकलता है। और दूसरा कि यहाँ पर बीटा इक्वल टू सी का वैल्यू लिख देंगे आप, यदि बीटा अपन पाई डब्ल्यू इंटू एक्स डॉट, ठीक है, एक्स डॉट को भी आप सॉल्व करेंगे तो कुल मिलाकर के बीटा ए अपन पाई ए आ गया था। तो ये जो है जो एम्पलीट्यूड डीके है, जो एम्पलीट्यूड कम होते जाता है, ठीक है ना, समय के साथ, दैट यू विल फाइंड हियर एज एक्सपोनेंशियल, एज एक्सपोनेंशियल निकलता है। तो ये वो सारे कंडीशन थे स्ट्रक्चरल डैम्पिंग के, जहाँ पर फोर्स्ड वाइब्रेशन नहीं था, क्या, जहाँ पर कोई फोर्स्ड वाइब्रेशन नहीं था, नॉर्मल हम निकाले थे फ्री वाइब्रेशन के कंडीशन में। लेकिन आज जब फोर्स्ड वाइब्रेशन, जहाँ पर कि विस्कस डैम्पिंग को सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे हम मान करके चले हैं, यहाँ पर यदि आप निकालते हैं तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो गया, ये डैम्पिंग हो गया। अब ये डैम्पिंग कौन सा है, स्ट्रक्चरल डैम्पिंग है, ध्यान रखिएगा। और ये क्या है, मास है, ठीक है ना। ये रोलर लगा देते हैं स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, और ये एक्स है, और इसके ऊपर जो है आप फोर्स लगाते हैं, कौन सा, एफ साइन ओमेगा टी। और ये ध्यान रखिएगा क्या है, मैं बार बार लिख रहा हूँ, यही जो है आपका जो है डैम्पर है, ठीक है। और ये कौन सा डैम्पर है, जो है विस्कस डैम्पर नहीं है, स्ट्रक्चरल डैम्पर है, जिसको कि लैम्डा से हम इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स कि जो है स्ट्रक्चरल डैम्पिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फटिक लोडिंग या साइक्लिक या रिवर्सल लोडिंग। वहाँ भी हमने जो आपको समझाए, ठीक है ना, वहाँ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये ध्यान रखिएगा कि लोडिंग अनलोडिंग बेसिकली साइक्लिक है। बार बार आप लोडिंग अनलोडिंग करते हैं तो लोड क्या हो गया, साइक्लिक लोडिंग हो गया, ठीक है ना। तो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, तो कंसीडर दिस सिस्टम एज द सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, चूंकि मास सिंगल है एंड इट इज सब्जेक्टेड टू ए हार्मोनिक फोर्स एफ साइन ओमेगा टी। तो इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा आपका, एम एक्स डबल डॉट प्लस लेमडा और के बाई डब्ल्यू, ठीक है ना, लेमडा इंटू के बाई डब्ल्यू एक्स डॉट, सी एक्स डॉट होता है ना, तो सी की जगह पर ये वैल्यू आ गया, सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, लेमडा के बाई डब्ल्यू एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू
एफ साइन ओमेगा टी, ये आपका वैल्यू आ गया, ठीक ना। अब बेसिकली ये जो टर्म है, ये जो टर्म है दैट इंडिकेट्स द डैम्पिंग फोर्स, और इक्विवेलेंट डैम्पिंग देखें तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू के बाई डब्ल्यू, तो ये उस फोर्स को, डैम्पिंग फोर्स को इंडिकेट करता है, ठीक ना। अब यदि आप निकालते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट में इनर्जी डिसिपेटेड, ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं कि इनर्जी डिसिपेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, इनर्जी डिसिपेटेड, ठीक ना, क्या हो जाएगा ये आपका बीटा ए स्क्वायर, ये याद रखिए, क्या हो जाएगा, इनर्जी डिसिपेटेड इन स्ट्रक्चरल डैम्पिंग, और इफ देयर इज, इफ सी ई इज इक्विवेलेंट विस्कस डैम्पिंग, सी इज इक्विवेलेंट डैम्पिंग, देन इनर्जी डिसिपेटेड क्या हो जाएगा आपका पाई सी ई ओमेगा इंटू ए स्क्वायर, ये आपको कूलम डैम्पिंग में भी बताए थे, यही सेम इक्वेशन। तो ये एक इक्वेशन आपका ये आ गया, इस दोनों को इक्वेट कर दें आप, ठीक है ना। तो इक्वेटिंग दिस टू इक्वेशन, इक्वेट कर देते हैं तो क्या हो जाता है पाई सी ई ओमेगा ए स्क्वायर इक्वल टू बीटा ए स्क्वायर, ठीक है ना, और सी ई निकल कर क्या आ जाएगा आपका बीटा अपन पाई डब्ल्यू, तो ये आपका इक्वेशन निकल गया इक्विवेलेंट विस्कस डैम्पिंग, ठीक है। नाउ यू कैन फाइंड द एनर्जी लॉस पर साइकिल, एनर्जी लॉस पर साइकिल, एनर्जी लॉस पर साइकिल, ठीक ना, क्या हो जाएगा पाई के लैम्डा ए स्क्वायर, पाई के लैम्डा ए स्क्वायर, ठीक ना, ये आपका एनर्जी लॉस निकलेगा क्या पर साइकिल, एनर्जी लॉस पर साइकिल इज पाई के लैम्डा ए स्क्वायर। अब इस एनर्जी लॉस को क्या हम इससे इक्वेट कर सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर वन हो गया, ये टू हो गया, ठीक ना, ये थ्री हो गया, और ये आपका फोर हो गया। तो इक्वेट इक्वेशन वन एंड फोर, ठीक है, इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड फोर यू विल गेट इक्वेशन फाइव, ठीक ना, इक्वेशन वन इज इक्वल टू इक्वेशन फोर, तो क्या हो जाएगा बीटा ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू पाई के लैम्डा स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट हियर बीटा इक्वल टू पाई के लैम्डा, या लैम्डा इक्वल टू बी अपन बीटा अपन पाई के, ये सॉल्यूशन निकल गया कि नहीं पाई के लैम्डा, ठीक ना। तो अब जो सॉल्यूशन निकालेंगे आप, जो आप इक्वेशन लिखे थे कौन सा, ये इक्वेशन जो लिखे थे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन शुरू में, तो व्हाट यू कैन राइट हियर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को अब हम कैसे लिख सकते हैं थोड़ा समझिए। नाउ मोशन इक्वेशन, मोशन इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका एम एक्स डबल डॉट, ठीक ना, प्लस बीटा अपन पाई डब्ल्यू एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू एफ साइन ओमेगा टी, ठीक ना, जहां पर बीटा अपन पाई डब्ल्यू को क्या लिखे हैं बीटा, बीटा के है ना, पाई के है, पाई डब्ल्यू और पाई डब्ल्यू और के यहां पे ले लिए, मतलब कि यहां लैम्डा इक्वल टू क्या बीटा अपन पाई के, और इस बीटा अपन पाई के को ही हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल डैम्पिंग फैक्टर, क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरल डैम्पिंग फैक्टर, स्ट्रक्चरल डैम्पिंग फैक्टर, या इसी को बोलते हैं लॉस फैक्टर, क्या बोलते हैं लॉस फैक्टर या स्ट्रक्चरल डैम्पिंग फैक्टर, ठीक है। अब यहां पर स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन के लिए निकाल सकते हैं, अब ये स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन कई सारे क्लास में आपको हम बता चुके हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए जो है आप लेक्चर नंबर 40 या 41, 42 ये सब कोई भी लेक्चर एक आप प्रिफर कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 48 में भी जो है हमने आपको बताया है,
ठीक है ना, ये सब डिस्टर्बिंग फोर्स जो निकाले थे, ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो जो बताए थे उसमें भी आपको बताए हैं, ऑलमोस्ट सभी जगह पर हमने आपको ये इक्वेशन दिखाए थे एम्पलीट्यूड के। ठीक है, यहाँ पर कुछ अननोन हो तो आप जो है प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 44 में, 45 में, कहीं भी जा कर के देख सकते हैं, सभी में इसका डेराइवेशन है। बट दी बेस्ट डेराइवेशन यदि चाहिए तो लेक्चर नंबर 44, ठीक है ना, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें थोड़ा सा स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन, अब ये तो इक्वेशन हो गया, स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन निकाल दें आपका, दो मिनट में हो जाएगा। क्या है स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन निकालेंगे फॉर हिस्टेरिसिस डैम्पिंग, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एफ बाई के, और ये नीचे का इक्वेशन, और ये अभी तक हम लगभग कम से कम 100 बार आपको बोल चुके होंगे कि ये इक्वेशन आपको याद ही रखना है। ये डिनोमिनेटर में तो हमेशा कांस्टेंट ही आता है, यही मतलब यही वैल्यू, और ये सी डब्ल्यू बाई के होता है, ये इक्विवेलेंट हमने ले लिया है, और ये सी डब्ल्यू बाई के को कैसे हम जो है डैम्पिंग रेशियो के टर्म में तोड़ते हैं ये भी हम बता चुके हैं। तो सी डब्ल्यू बाई के को 2 जीटा आर भी लिख सकते हैं, जीटा क्या है डैम्पिंग रेशियो है, आर क्या है फ्रीक्वेंसी रेशियो है, ठीक है ना। यहाँ पर ए लिख दिए आप, और इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप जो है, अच्छा इनर्जी इक्वेशन से आपको मालूम है इक्विवेलेंट सी ई डब्ल्यू इक्वल टू बीटा अपन पाई, ठीक है ना, और बीटा का अभी आप निकाले हैं कहीं पर पाई के लेमडा, तो पाई के लेमडा अपन पाई क्या हो जाएगा के इंटू लेमडा सी ई डब्ल्यू, तो सी ई डब्ल्यू के जगह पर आप क्या रखेंगे के लेमडा रखेंगे कि नहीं। अब इसको हम ब्रेक करेंगे तो के लेमडा यहाँ आप रखिएगा तो के और के तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या लेमडा सिर्फ बचेगा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा ए, और इस एफ बाई के को नीचे ले सकते हैं क्या, ये ऊपर ऊपर बहुत उड़ी में है तो इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा वन अपन और ये स्क्वायर रूट वन माइनस ओमेगा अपन ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ये क्या हो जाएगा लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मेन सॉल्यूशन निकला दोस्तों, और इसको याद रखना है कि किस तरह से एम्पलीट्यूड रेशियो निकालते हैं। इसी में यदि आप फेज एंगल निकालना चाहेंगे तो ये क्या हो जाता है टेन इनवर्स, ये आपका सी ई हो जाएगा, सी डब्ल्यू बाई के होता है तो यहाँ सी ई डब्ल्यू बाई के हो जाएगा अपन के, और ये वन माइनस ओमेगा अपन ओमेगा एन का स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये फेज एंगल निकल जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जो है आप और आगे सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं, बाद की ज़रूरत ऐसे है नहीं, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका मेन सॉल्यूशन निकल गया हिस्टेरिसिस डैम्पिंग का, और ये इनर्जी डिसिपेटेड, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इस दोनों तीनों इक्वेशन को दिमाग में रखना, ठीक है ना, और इससे आप जो है एम्पलीट्यूड रेशियो, और इसको क्या बोलते हैं मैग्निफिकेशन फैक्टर, ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चरल डैम्पिंग का। अब ये कंडीशन आप रख सकते हैं, ठीक है ना, ये ऐसे स्क्वायर, ये ऐसे है, ठीक है, ये स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा। अब किस कंडीशन पे लेमडा किस वैल्यू पर आपका ये मैग्निफिकेशन फैक्टर कम होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, रेजोनेंस के कंडीशन पर क्या होगा, क्योंकि सब कुछ अब डिपेंड क्या करने लगेगा रेजोनेंस पे क्या होगा, ठीक है ना, एट रेजोनेंस यही आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वन अपन लेमडा, ठीक है ना, वन अपन लेमडा वहाँ पर आप निकाल सकते हैं। तो दैट यू कैन कंपेयर ऑल दीज इक्वेशन, यू कैन कंपेयर ऑल दीज कॉन्सेप्ट विद दी हेल्प ऑफ दिस इनर्जी इक्वेशन, इनर्जी इक्वेशन आपको निकालते आना चाहिए। तो आज ये था हमारा फोर्स्ड वाइब्रेशन विद दी स्ट्रक्चरल डैम्पिंग, ठीक ना, ठीक है। तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल डैम्पिंग। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग, हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाए थे कूलम्ब डैम्पिंग, क्या पढ़ाए थे कूलम्ब डैम्पिंग। तो कूलम्ब डैम्पिंग में जो है हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बताए थे, और उसी कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे इस स्ट्रक्चरल को और कूलम्ब को कंबाइंड कर देंगे, कूलम्ब को और स्ट्रक्चरल को कंबाइंड कर देंगे, या
कूलम्ब को और विस्कस को कंबाइन कर देंगे या विस्कस को और स्ट्रक्चरल को कंबाइन कर देंगे, तो दैट डिपेंड्स सिचुएशन टू सिचुएशन। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल डिस्कस कम्बिनेशन ऑफ द डैम्पिंग इन लेक्चर नंबर 53, दैट मीन्स कि नेक्स्ट लेक्चर में। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड बी हैप्पी, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ भी रहिए। आज के सिचुएशन में यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो आप दुनिया के 2 से 5% लोगों के बीच में हैं। थैंक यू वेरी मच।